हाय गाइस, क्या हालचाल है भाई। आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आज हम लोग जो एक बार फिर से आरएस मोटर्स पे आए हुए हैं, और हम लोगों ने वीडियो पिछली FZS को जो है कवर किया था सियान ब्लू कलर में, लेकिन इस बार जो है कंपनी ने जो है दो कलर और अच्छे जो है निकाले हैं, जो कि मुझे स्पेसिफिक उसमें से एक कलर बहुत अच्छा लगा। तो आज हम लोग इन्हीं दो कलर को कवर करने वाले हैं। इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, डिटेल, प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, सब चीजों को कवर करेंगे। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे सामने जो है यहाँ पे है यामा की FZS वर्जन 4.0। तो ये दोनों कलर भाई हमारे सामने जो है लॉन्च हुए हैं, देख सकते हो। यहाँ पे हमको व्हाइट कलर मिल जाता है, इस साइड हमें ग्रीन कलर मिलता है। व्हाइट कलर देख सकते हो, थोड़ी जो है हमारी कूलर टोन में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमको जो है प्रीमियम लगता है कलर। साथ में इसमें जो है आपको देख सकते हो क्रोम जो इस्तेमाल किया गया है वो ज़्यादा अच्छे से जो है फिनिशिंग हमको जो है व्हाइट कलर में लगती है। साथ में जो इसमें आप देख सकते हो ब्लैक से जो इसकी 3D में बैचिंग करी गई है FZS की, ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हमें व्हाइट कलर में लगती है एज़ कंपेरिजन टू भाई ग्रीन कलर पर। ग्रीन कलर पर जो है इतनी अच्छी हमें डिटेलिंग नहीं मिलती है जितनी अच्छी डिटेलिंग हमें व्हाइट कलर पर मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई इसकी चाबी से। देख सकते हो चाबी हमें टिपिकली उसी तरह से मिलती है जैसे पहले मिलती थी। यहाँ पे जो है हमको भाई यामा का लोगो मिल जाता है, और सामने से देख सकते हो गाड़ी कुछ इस प्रकार से लगती है। सामने जो अभी आपको जो इसकी हेडलाइट्स दिखाते हैं, सबसे पहले इसके जो है हम आपको DRLs दिखाते हैं भाई। ये DRLs देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इसके DRLs हैं, पूरा ऊपर जो है इसमें L शेप में जो है DRLs मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। सामने से बात करें तो इसमें जो हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें जो है फेंडर मिलता है। फेंडर की क्वालिटी में जो है थोड़ा से जो है यामा वालों ने गपला किया है, मतलब फेंडर की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन इधर देख सकते हो सस्पेंशन पे जो है हमको यामा की बैचिंग मिल जाती है, और आगे वाले टायर के देख सकते हो। यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आगे जो हमको सीएट का टायर मिलता है, और 180x17 इंच का जो हमको टायर प्रोफाइल मिलती है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। और डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमको 282 mm की जो है डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बाइब्रिक हमको जो इसमें ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, और ये गाड़ी जो है हमारी डुअल चैनल ABS पे, जो कि हमारी यहाँ पे ABS की जो है आप देख सकते हो इसमें प्लेट लगी हुई है। और ये जो है हमारे ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। सामने से लुक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। सामने से यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो है आपको साइड टैंक काउल जो मिला है इस पर क्रोम की फिनिशिंग करी गई है। साथ में जो है काफ़ी बढ़िया वेंट्स के लिए यहाँ पर बना के रखा गया है। इसमें नीचे जो है आपको यहाँ पे इंजन गार्ड मिल जाता है। इंजन गार्ड जो है यामा वाले काफ़ी बढ़िया देते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टिव देते हैं, जिससे कि आपका जो है इंजन बचा रहता है जब नीचे ज़मीन लड़ने से। और यहाँ पे इंजन में मिल जाता है जिसपे हमको यामा की बैचिंग मिलती है। तो इसमें इंजन के बारे में बात करें, 149 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve सुपर सिलेंडर पर हमको जो है ये इंजन मिल जाता है। और इसमें बात कर ले ये पावर कितनी प्रोड्यूस करता है, तो 12.4 PS की जो है पावर प्रोड्यूस करता है, और 13.3 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम बात कर ही रहे थे, काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है। और इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें, ये देखो ये 3D में हमको जो है FZS की जो है बैचिंग मिल जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है इस वाइट कलर पे। ये हल्का से जो है कूलर टोन में जो है वाइट कलर है, मिंट टाइप में कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमें जो है ऊपर देख सकते हो ब्लैक का जो है फिनिशिंग मिलती, टैंक जो आपका जो है डुअल कलर में मिल जाता है। और यहाँ पर हमें जो है ग्राफिक्स का जो है काफ़ी अच्छा जो है यूज़ किया गया हुआ है, काफ़ी अच्छे इसके ग्राफिक्स लगते हैं। साइड कवर में जो इधर कोई भी ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हुआ है, और नीचे जो है आपको यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक्स काफ़ी बढ़िया है। और इसमें बात करें फुटपैक की क्वालिटी के लिए, तो मैं हर बार जो है यामा के फुटपैक्स की क्वालिटी की तारीफ़ करता हूँ, तो इस बार भी जो है तारीफ़ करने की बात बनती है। सस्पेंशन जैसे मैंने आपको आगे बताया कि टेलीस्कोपिक मिलता है, पीछे आपको 7-step एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और पीछे वाले टायर की प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमको इसमें जो है 140-60-17 इंच के जो है हमको पीछे वाले टायर की प्रोफाइल मिल जाती है। और पीछे जो हमें डिस्क ब्रेक मिलती है वो हमें 220 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, और पीछे भी जो है हमको बाइब्री के डिस्क ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें मिलती है ABS की प्लेट मिल जाती है, और यहाँ पीछे आप देख सकते हो टायर में हमें जो है टायर हगर भी मिलता है। और इसकी टेल टाइडी के बारे में बात करें, टेल टाइडी भी जो है काफ़ी बढ़िया, और पीछे आपको जो है यहाँ पर देख सकते हो LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं, और इसमें इंडिकेटर्स जो है LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया है। सिंगल सीट में इसमें मिलती है, कोई स्प्लिट सीट इसमें नहीं मिलती है। सीट कंफर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, काफ़ी बढ़िया सीट कंफर्ट है, और राइडर का सीट कंफर्ट भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर हम इस साइड से बात करें, तो इस साइड से हम आपको जो है ग्रीन वाली में दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी कुछ इस तरह से लग रही है, ये ग्रीन वाली है, वो वाइट वाली थी। यहाँ पर जो है हमको गियर पोजिशनिंग मिलती है, 5 गियर मिलते हैं हमको गाड़ी में, जो कि काफ़ी बढ़िया जो है। एक तो इंजन जो है ना इसका यामा का इंजन है, जिससे कि काफ़ी रिफाइंड इंजन है, काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, और 149 cc में काफ़ी बढ़िया जो है ये परफॉर्मेंस देता है।
पीछे जो है हमको भाई चैन कवर मिल जाता है, सारी गार्ड इधर देख रहे हो मिलता है, बट कोई साइड स्टैंड नहीं मिलता है। साइड स्टैंड आपको लगवाना पड़ेगा और गाड़ी जो है हमारी चेन ड्राइव सिस्टम पे आती है। साइड में देख सकते हो साइड जो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खाली खाली लगता है। मेरे हिसाब से इसके जो साइड कवर्स हैं किनारे भी जो इसमें थोड़े बहुत ग्राफिक्स देने चाहिए थे, लाइक यहाँ पे यामा की बैचिंग दे देते एटलीस्ट, काफ़ी ज़्यादा जो है खाली सी लगती है। लेकिन गाड़ी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी हेडलाइट दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें इसमें आपको 790 mm की जो है सीट हाइट मिल जाती है, 165 mm का जो हमको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसमें हमें मेन स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। व्हील बेस के बारे में बात करें तो भाई 1330 mm का व्हील बेस मिल जाता है और इस गाड़ी में जो हमको 13 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और माइलेज के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी तो ऐसा क्लेम करती है कि 46 से 50 किलोमीटर तक की भाई गाड़ी का माइलेज है, बट एज पर कस्टमर रिव्यू अगर हम बताएं जिन्होंने ये कलर नहीं दूसरा कलर लिया था तो 40 का माइलेज आपको बहुत आराम से सिटी में दे देती है। आप गाड़ी को चाहे जैसे भी चलाओ क्योंकि इसमें यामा का इंजन है तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। बाकी इसमें 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो आती ही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो ये देखो यहाँ पे जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस प्रकार से मिलता है, हाई बडी इसमें लिख के आता है। यहाँ पे आपको देख सकते हो डेट मिल जाती है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है जो कि आपको वाई कनेक्ट के द्वारा मिलती है, ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हो। जब आप गाड़ी रजिस्टर कराओगे तो आपको जो है सब कुछ कनेक्ट करके दिया जाएगा जिससे कि आप जो इनकी ऐप से थ्रू अपने जो है सारे कॉल मैसेज सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। इधर आपको टाइम मिल जाता है, इधर आपको आरपीएम मीटर मिलता है, इधर स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मीटर मिलता है, यहाँ सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। इधर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल गियर में सारे जो आपको यहाँ पे आइकन शो करता है। इस साइड आपको इंडिकेटर का जो है आइकन मिल जाता है, नीचे आपको ABS का आइकन मिलता है। यहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, क्या एवरेज दे रही है गाड़ी, कितने पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलेगी, अपना ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, या ओडोमीटर देख सकते हो, ट्रिप ए कर सकते हो, ट्रिप बी कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यहाँ से रीसेट कर सकते हो। और यही सब चीज़ें टेक्नोलॉजी है। अब वाई कनेक्ट के थ्रू आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इसके हेड पे देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है यामा का बैचिंग मिल जाती है, इधर आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर मिलता है। बाकी इसके इंडिकेटर्स देख सकते हो मैंने ऑन करके रखा हुआ है। इसमें जो है LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। पहले जो है LED इंडिकेटर्स इतने प्रीमियम नहीं लगते थे क्योंकि यार पहला जो कलर है ना वो थोड़े थोड़े डर लगते थे, लेकिन मुझे पैसिफिक ये वाइट कलर काफ़ी अच्छा लगा, इसी के कारण जो है कलर देख सकते हो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। बाकी हम लोग इसके हैंडल्स की तरफ अगर हम बात करें, सिंगल लोड हैंडल मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको जो है यहाँ पे भाई देख सकते हो लो बीम हाई बीम का बटन मिलता है, यहाँ पे आप जो है पास भी इसी से कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर का बटन मिलता है, नीचे आपको जो है हॉर्न मिलता है। हॉर्न बजा के देखते हैं कि कैसा हॉर्न साउंड आ रहा है। हॉर्न साउंड जो है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लाउड है, डिसेंट साउंड है, ज़्यादा कोई ये नहीं कि भाई किसी का जो है सर में दर्द होगी, ऐसा कोई साउंड नहीं है, ठीक है गाड़ी के हिसाब से ठीक है साउंड। राइट हैंड साइड पर जो है आपको यहाँ पे किल स्विच बटन मिल जाता है, ऑन ऑफ सिस्टम मिलता है, नीचे आपको जो है सेल्फ वाला बटन मिलता है। गाड़ी ऑन करते हैं और आपको सुनाते हैं इसके एग्जॉस्ट का साउंड। पहले आइडियली साउंड सुनाएंगे फिर जो है थोड़ा सा रेव करेंगे। अब करते हैं इसको थोड़ा सा रेव। गाड़ी की परफॉर्मेंस इसके रेव सिस्टम से जो एग्जॉस्ट जो ऐसा आवाज़ करता है वो पता चल जाता है कि इंजन के हिसाब से गाड़ी कितनी बढ़िया है हमारी। बाकी इसमें मिरर्स क्वालिटी देख सकते हो, मिरर्स जो है बहुत लोग जो है बदलवा देंगे क्योंकि साइड एंड बार मिरर लगवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाकी मिरर्स की क्वालिटी के बारे में बात करें तो ज़्यादा ना अच्छी है ज़्यादा ना ख़राब है, डिसेंट क्वालिटी के मिरर्स हैं। बाकी इसमें जो हम गाड़ी ऑन करते हैं और आपको जो है इसके अच्छा गाड़ी ऑन कर दिया था, यहाँ पे आपको देखा सकते हैं भाई इसके लो बीम हाई बीम कितनी बढ़िया लग रही है आपको। यहाँ पे अभी आपको मैं फोकस करता हूँ, हाँ ये देख सकते हो, आप देख सकते हो इसका थ्रू कितना बढ़िया है, कितना प्रीमियम लगती है आपको। नीचे जो है आपको हॉर्न मिल जाता है, आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आपको हॉर्न मिल जाता है। तो ये वाइब कनेक्ट गाड़ी है। अब बात कर लेते हैं भाई इन गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। सो अगर आपको ये गाड़ियाँ लेनी है व्हाइट कलर में या ग्रीन कलर में तो आप लोग जो है RS मोटर्स पे आ सकते हो जो कि नियरेस्ट हमारे सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज सीतापुर रोड पे ये हमको जो है शोरूम पड़ जाता है। सारी डिटेल्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है, मैप लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इन गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। तो इन दोनों का एक्स शोरूम और ऑन रोड सेम है। एक्स शोरूम प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 1,29,700 rupees की है, और ऑन रोड के बारे में बात करें तो भाई 1,53,572 rupees की है। तो भाई कैसी लगी ये गाड़ी आपको हमें कमेंट में बता सकते हो। इनके हिडन फीचर्स और रील देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज आ रहा है, जाके फॉलो करें स्वप्निल ऑटो मोटो। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी की वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद वंदे मातरम।